कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री जनता से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग घरों पर रहें, लोगों का पालन करें। ऐसे में जनमानस के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न को लेकर है। हर कोई अपने घर पर लॉकडाउन का पालन कर रहा है, ऐसे में मजदूर परिवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या राशन और भोजन को लेकर है। मजदूर एवं गरीब परिवारों को सरकार द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं इस ओर सामाजिक संगठन भी अपना काम कर रहे हैं। लाकड़ी फाजलपुर के स्थानीय निवासी समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर मनीष कुमार मुस्तैदी के साथ अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा घर घर जाकर ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जिनके घर खाने के लिए राशन नहीं है, ऐसे लोगों को वो राशन के पैकेट मुहैया करा रहे हैं। डॉक्टर मनीष कुमार द्वारा बताया गया कि उनका ये प्रयास है कि कोई भी भूखा ना सो पाए। अगर कोई परिवार भूखा है तो हम उस परिवार के घर पहुँच जाते हैं और उसको राशन का इंतजाम कराते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार का कहना है कि अगर हम सब अपने कमजोर भाइयों के साथ खड़े हो जाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उनका ये प्रयास जारी रहेगा। सिटी चैनल से विशेष बात करते हुए डॉक्टर मनीष कुमार सिंह द्वारा अपील भी की गई कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों पर ही रहें। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं लाकड़ी में रहता हूँ। जैसे कोरोना महामारी चल रही है, लोग अपने घरों में बंद हैं, तो आपके द्वारा क्या किया गया था? मैंने इस समस्या को दूर करने के लिए जो लॉकडाउन में बिहार के मजदूर लोग फंस गए थे, उनके लिए मैंने उनको चिन्हित करके पहले उनकी लिस्ट बनाई और उसमें कुछ किरायेदार लोग भी शामिल थे, उन सभी की लिस्ट बनाकर उनके लिए मैंने 15-15 दिन का राशन बांटा है। उन लोगों की संख्या 40 है। हर एक व्यक्ति को 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 तेल की शीशी और 1 नमक का पैकेट दिया गया है। मेरा ये उद्देश्य है कि लॉकडाउन में फंसा कोई भी मजदूर भूखा नहीं मरे और अच्छे से अपने लॉकडाउन की खतरनाक महामारी है जो सारे देशों में लगभग फैल चुकी है और इससे सबसे ज़्यादा जो ग्रसित देश हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, ये सभी देशों में बहुत अधिक मौत हो गई है। अभी तक हमारे देश में कुल 2 लाख से भी के लगभग मौत हो चुकी है। इसलिए आम जन से मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि सभी लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि अपने घरों में रहें और कम से कम 2 मीटर की दूरी